नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में करेंगे हम कंपैरिजन मीडियाटेक हीलियो P90 जो कि एक लेटेस्ट चिपसेट है मीडियाटेक की तरफ से विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675। ये लेटेस्ट एक CPU है फ्रॉम क्वालकॉम, तो देखते हैं कौन सा विनर रहेगा इस कंपैरिजन का। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाइए मोबाइल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिव दुनिया की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ एंड कंपैरिजन। तो दोस्तों, मीडियाटेक की तरफ से कहा जा रहा है कि हीलियो P90 जो है, दिस चिप चेंजेस एवरीथिंग, तो काफ़ी हद तक ये सही भी है। और वहीं अगर मैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 की बात करूं तो ये काफ़ी अच्छा एक ओवरऑल ऑलराउंडर रहेगा अपनी बजट कैटेगरी में। तो दोस्तों, कंपैरिजन शुरू करते हैं इनके आर्किटेक्चर से। तो मीडियाटेक हीलियो P90 12nm की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ प्रोसेसर है। ये 2+6 के आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ये ऑक्टाकोर चिपसेट है जिसमें दो कोर्स मिलेंगे आपको, कोर्टेक्स A75 जो कि रन करेंगे एट 2.2 GHz, और बाकी 6 कोर्स होंगे कोर्टेक्स A55, वो रन करेंगे एट 2 GHz। और दोस्तों, जो SD675 है ये क्रायो 460 आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। 11nm की इसकी जो टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, और ये 2+6 के आर्किटेक्चर में ही आता है। दो कोर्स रन करेंगे 2 GHz और बाकी के 6 कोर्स रन करेंगे 1.8 GHz। तो दोस्तों, अगर नेक्स्ट AI की बात करें तो हीलियो P90 में आपको मिलेगा APU 2.0 जो कि काफ़ी एक एडवांस्ड AI प्रोसेसर है, और SD675 में आपको मिलेगा हेक्सागन 685 DSP। ये थर्ड जनरेशन क्वालकॉम का AI इंजन है, तो ये भी काफ़ी अच्छा इंजन है। लेकिन दोस्तों, जो मीडियाटेक हीलियो P90 का APU 2.0, वो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, अगर मैं कैमरा सपोर्ट की बात करूं तो हीलियो P90 में आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा और 24+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सपोर्ट। तो विद द हेल्प ऑफ AI ये काफ़ी अच्छा एक कैमरा होने वाला है। और वहीं दोस्तों, SD675 में आपको मिलेगा 25 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा और 16+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सपोर्ट। तो अगर इमेजिंग और वीडियोग्राफी की बात करूं तो दोस्तों, डेफिनेटली हीलियो P90 हैज़ अ एज ओवर SD675। तो दोस्तों, अगर GPU परफॉर्मेंस की बात करें तो हीलियो P90 में मिलेगा आपको पावर VR GM9946 GPU। ये 50% बेटर परफॉर्मेंस देता है ओवर माली G72 MP3। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा एक GPU होने वाला है। और वहीं अगर इसका मैं कंपैरिजन करूं SD675 के ऊपर, तो इसमें आपको मिलेगा एड्रीनो 612 GPU जो कि रन करता है 700 MHz, और ये काफ़ी एक एडवांस GPU है और गेमिंग जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर इनके Antutu बेंचमार्क स्कोर्स को कंपेयर करें तो SD675 स्कोर करता है 1,74,402, और वहीं हीलियो P90 स्कोर करता है 1,62,861। तो डेफिनेटली Antutu बेंचमार्क में SD675 काफ़ी आगे है। तो दोस्तों, इन रियल वर्ल्ड ज़्यादा फ़र्क परफॉर्मेंस में नहीं दिखने वाला है आपको, लेकिन डेफिनेटली हाँ, SD675 का स्कोर ज़्यादा है। और दोस्तों, जहाँ पर मीडियाटेक P90 जो शाइन करता है वह है इसकी AI कैपेबिलिटीज़ में। तो AI का जो बेंचमार्क स्कोर है उसमें हीलियो P90 ने स्कोर किया है 25645। ये SD855 से भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, SD675 का अभी तक AI बेंचमार्क स्कोर रिलीज़ नहीं हुआ है, तो उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों, हीलियो P90 एक बहुत ही अच्छा AI कैपेबल एक चिपसेट है। तो दोस्तों, अगर इस कंपैरिजन को कंक्लूड करें तो जो SD675 है ये कंप्लीट ऑलराउंडर की तरह सामने आया है, और दोस्तों 2019 में ये काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स को पावर करने वाला है। और वहीं दोस्तों, अगर मीडियाटेक P90 की बात करें तो ये काफ़ी एक एडवांस्ड AI इंजन के साथ जो है वो चिपसेट लॉन्च किया है मीडियाटेक ने, और जो यूज़र एक्सपीरियंस देने वाला है ये काफ़ी अच्छा एक हाई लेवल का जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। दोस्तों, ये कैसा लगा आपको कंपैरिजन, तो उस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर और भी आप कंपैरिजन चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल पे, और साथ ही दबाइए बेल बटन ताकि लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यूज़ सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।